उत्तराखंड की चार धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है। मैं सभी कर्मचारियों से अधिकारियों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सभी को पर्यटकों का स्वागत करना है और सभी को कार्य तत्परता से काम करना है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री धाम की जो चार धाम यात्रा है इसके अंदर हमें सौभाग्य मिला है सेवा करने का। इसे अपना परम सौभाग्य मानते हुए हमें जो हमारे पर्यटक हैं अतिथि की भावना से, अतिथि देवो भव की भावना से उनका स्वागत और सत्कार करना है। हॉस्पिटैलिटी में हमारा उत्तराखंड सर्वोपरि होना चाहिए, ये भावना हमारे हृदय से निकल करके बाहर आनी चाहिए। पर्यटकों का हम स्वागत करें। कोई अगर अपनी कंप्लेन लिखवाता है, कोई मोबाइल फोन पर बात करता है, उसको इग्नोर ना करें, मोबाइल फोन पर बातचीत करें, मोबाइल को सुने। और अगर आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, मोबाइल आपका बिजी है, तो कॉल बैक करें। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने पर्यटकों को पूरी पूरी सुविधा दें और उनका मार्गदर्शन करें। जो भी सफाई कर्मचारी हैं शौचालयों को साफ रखें, क्योंकि हर आदमी शौचालय में सुबह शाम जाता है, तो शौचालयों की साफ सफाई होनी चाहिए। मैं औचक दौरे पर ऋषिकेश गया था, बहुत ही खराब स्थिति शौचालयों की थी। तो मैं सबको ये आग्रह करना चाहता हूं कि अधिकारी लोग देखें कि शौचालय साफ रहें, स्वच्छ रहें और फंक्शनल हो, और वहां पर साबुन और तौलिया हर चीज की सुविधा वहां होनी चाहिए। सभी पर्यटकों से हमने आग्रह किया है कि आप मास्क पहनें और सैनिटाइजेशन करते रहें, इससे हम कोरोना को दूर रख सकते हैं। और यात्रा के अंदर पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए लाइन में हम लग करके दर्शन प्राप्त करें। लगभग 15,000 व्यक्ति बद्रीनाथ में दर्शन कर सकते हैं, 12,000 हमारे केदारनाथ पे कर सकते हैं, गंगोत्री में 7,000 और यमुनोत्री में 4,000। सभी अधिकारी वर्ग पर्यटकों की सेवा करेगा, उनका अभिनंदन करेगा और हर सहायता उनको पहुंचाने के लिए भरसक कोशिश करेगा। मैं सभी से आग्रह करता हूं, ये बहुत बड़ी यात्रा है, इसको सफल बनाना ये आपके ऊपर है। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा, मैं औचक दौरे पे आऊंगा, अगर कोई भी काम के अंदर ढिलाई होगी तो उस पर सख्ती की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि हम मन लगा करके सेवा करें। उत्तराखंड इसीलिए बना था, ये देवभूमि से लोग संस्कार लेके जाएं, यही हमारी भावना होनी चाहिए। जय हिंद।